ताई जी, कोई भी झगड़ा सगी बहनों के रिश्ते से बड़ा नहीं हो सकता। चुप कर। अपनी ही बड़ी बहन की शादी तोड़वाई है इसने। निरंजन का रिश्ता मेरे लिए आया था। क्या? हाँ, तेरे बाप का रिश्ता मेरे लिए आया था। तेरे बाप की शादी मेरे से होने वाली थी, लेकिन ये बीच में आ गई। इसने मेरा पत्ता साफ कर दिया और खुद का नंबर लगा लिया। झूठ मत बोलो दीदी, मैंने कुछ नहीं किया था। इन्होंने मुझे पसंद किया और माँ पिताजी ने मेरी शादी उनसे करा दी। तू तो शट अप ही हो जा। तूने तो लॉटरी लगा ली, खुद शादी कर ली चांद जैसे चेहरे वाले निरंजन से, और मुझे मिला चांद जैसे सर वाला अलग। हमारे जितने गुण मिलते थे ना, उतने तो उनके सर पे बाल भी नहीं थे। माँ जी, आप बुरा मत मानिएगा, पर मेरा तो बरसों से ये सोच के सर चकरा रहा है कि एक ही माँ के दो बेटे हैं, एक के इतने बाल और दूसरा शाकाल। दीदी, अलग भाई साहब आपके पति हैं, आप अपने पति के बारे में ऐसे कैसे बात कर सकती हैं? ओ हो 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 हो, कैसे तुम बड़ी इज्जत करती हो उनकी। भूली नहीं हूँ मैं अब तक, कविता कुछ भी इतनी आसानी से नहीं भूलती। सबके सामने उनके जन्मदिन पर उन्हें कंघी गिफ्ट की थी, वो भी एक नहीं, पूरा का पूरा सेट। कितना हंसे थे सब, सब कुछ याद है मुझे। दीदी, मैंने आपसे कितनी बार कहा है, मुझे नहीं पता था कि अलग भाई साहब विग पहनते हैं। तू तो शट अप ही हो जा। तू अच्छे से जानती थी कि वो विग पहनते हैं, पर उनकी बेइज्जती मैं कभी नहीं भूलूंगी। कविता, अब गड़े मुर्दे उखाड़ना बंद कर। बहुत तंग कर लिया तूने सविता और निरंजन को, अब ये केस का किस्सा खत्म कर। केस तो मैं वापस नहीं लूंगी, ये बात तो फिक्स है। और ये केस तो सिर्फ एक बहाना है, मैं तो बस इससे अपना हिसाब बराबर करना चाहती थी। मेरा पति तुझे मुबारक, ये घर ये तो मैं लेकर ही रहूंगी। आज भी वो कंघी का सेट मैंने संभाल के रखा है, और जिस दिन ये घर मेरा हो जाएगा, वो सेट मैं तुम्हें वापस करूंगी। रास्ते पर खुली हवा में बैठ के बनाते रहना अपने निरंजन के बाल। क्या तमाशा हो रहा है? आप यहाँ क्या कर रही हैं? आ गए देवर जी, बस आप ही की तारीफ हो रही थी, और दूसरा क्या हो रहा था ये पूछ लेना इससे, बता देगी पूरा एक्शन रिप्ले विद एक्शन। अच्छा माँ जी, चलती हूँ, ख्याल रखना। मिलते हैं फिर कोर्ट में हमेशा की तरह। ये मामला तो और बिगड़ गया। क्या कर रही थी कविता इस घर में? किसने बुलाया कविता को? मैंने नहीं बुलाया था, वो अम्मा से मिलने आई थी। कितनी बार समझाया सविता, मना कर दिया करो इन लोगों को, इस घर में मत बुलाया करो। नाक में दम कर रखा है जिन लोगों ने, उन्हें ही घर में बुला रही हो। कितनी बार तुमसे कहा है कि मम्मी, सविता, कमजोरी और डिहाइड्रेशन की वजह से आया चक्कर, और इन्हें तो तेज बुखार भी है, मैं कुछ दवाइयां लिख देता हूं। दवाई तो मैंने लिख दी है, लेकिन उसका भी कोई फायदा नहीं होगा अगर ये खाना नहीं खाएंगे। सो प्लीज इनका ध्यान रखिए, और जल्द से जल्द इन्हें कुछ खिलाइए, वरना तबीयत और बिगड़ सकती है।
मैं चलता हूं। मम्मी सुना डॉक्टर ने क्या कहा? अब चलो अभी इज्जत छोड़ो, दो दिन से आपने कुछ नहीं खाया है, चलो अब खाओ। मम्मी प्लीज, खाना तो मेरे जैसे आदमी को नहीं खाना चाहिए, आप अपने आप को क्यों सजा दे रही हो? प्लीज खा लो ना मम्मी। मैं देखता हूं कैसे नहीं खाती है। सविता, भगवान की तपस्या करते करते क्या भगवान तक पहुंचना चाहती हो? बंद करो ये बचपना, छोड़ो ये हड़ताल और खाओ चुपचाप। ले आइए मेरी मां को घर, मैं खा लूंगी। नहीं बच, मैं सविता को ऐसी स्थिति में नहीं देख सकती। एक माँ अपनी बेटी को बिना अन्न जल के कैसे देख सकती है? मैं समझ सकता हूँ माँ आपकी मनोस्थिति, इसी कारण आपने भी तो सुबह से कोई भोग ग्रहण नहीं किया है। जब मेरी प्रिय भक्त इतने कष्ट में है तो मैं कैसे कुछ ग्रहण कर सकती हूँ? और मैं ऐसे मूक बनकर नहीं देख सकती। मुझे सविता के लिए कुछ करना ही होगा। क्षमा माँ, आप फिर से सृष्टि के नियमों की उपेक्षा कर रही हैं। भगवान कर्म का फल देते हैं, कर्म नहीं करते। कर्म करना तो भक्तों का उत्तरदायित्व है। विधि के विधान में परिवर्तन विनाश का कारण हो सकता है, ये तो आप जानती हैं, है ना माँ? सही बोल रहे हो वत्स, माँ और भगवान दोनों ही मर्यादाओं में बंधे होते हैं, नियम बनाने वाले नियम तोड़ कैसे सकते हैं? अब आंसू बहा के क्या होगा? मम्मी की ये हालत ना आपकी वजह से हुई है। वैभव, मम्मी की हालत बिगड़ती जा रही है। ज्यादा टाइम नहीं है हमारे पास, कुछ तो करना पड़ेगा जिससे पापा एवं लक्ष्मी माँ की मूर्ति इस घर में वापस ले आए। क्या करें क्या करें श्रेया, एक तो तुमने इम्पॉसिबल से चैलेंज ले लिया है, दाई जी का एटीट्यूड देखा है तुमने, करेगी वो साइन? वो और साया जी करेंगे क्या? और ऊपर से हम पे ढोंगी वाल का दब्बा अलग, उसे कैसे मिटाएंगे? और सासू माँ की कितनी खिंचाई की है लोगों ने मंदिर में, मुझसे देखा नहीं गया यार। देखो ये देखो देखो, ये तो वही ढोंगी सविता माँ है जिसने अपनी भक्ति का व्यापार किया था, इन्हें तो मंदिर में ही नहीं आने देना चाहिए। चीजा, आप वहां पर खड़े खड़े ये सब कुछ रिपोर्टर की तरह रिकॉर्ड कर रहे थे? ये तो हम कब से रिकॉर्ड कर रहे हैं। कसम से बता रहे हैं, ये लोगों को दिखाना चाहिए, ये हमारी सासू माँ का असली रूप, असली भक्त लक्ष्मी माँ की, जो बिना खाए पिए अपनी लक्ष्मी माँ के लिए बैठी हुई है। ये तो नहीं दिखेगा ना लोगों को,
तो हम दिखाते हैं ना। देखो जैसे हम ये वीडियोस देख रहे हैं, अगर हम ये वीडियोस सोशल मीडिया पे अपलोड करते हैं तो पूरी दुनिया देख पाएगी। जिसे वो ढोंगी बोल रहे हैं वो असल में कितनी बड़ी तपस्या कर रही है ये देख के तो सबका मुंह बंद हो जाएगा। आइडिया तो अच्छा है वैभव, अभी के अभी ये सारे वीडियो सोशल मीडिया पे अपलोड कर दो। ये देख के लोगों का नजरिया जरूर बदलेगा, उन्हें सच पता चलेगा और तभी जाके ढोंगीवाल का धब्बा इस परिवार के नाम से हटेगा। श्रेया, ये आइडिया तो अच्छा है और काम भी कर सकता है, पर घर का क्या? वो तो प्रॉब्लम अभी तक सॉल्व नहीं हुआ है। अब सीधे सीधे ट्राई करके तो देख लिया भैया, अब हमें कुछ हटके सोचना पड़ेगा। एक आइडिया है मेरे पास, लेकिन वो आइडिया थोड़ा टेढ़ा है, हमें थोड़ा टेढ़ा तरीका अपनाना पड़ेगा। अरे गुरु, आपने कभी सीधा सोचा भी है? इसलिए तो ज्योमेट्री में हमेशा फेल हुए हैं, सीधी लाइन भी टेढ़ी निकलती है इनसे। ये है तोसने वाले परिवार का नटवर लाल। तो जीजे, इस नटवर लाल का फायदा उठा लो। अगर मेरे फ्रॉड की वजह से हम इस मुश्किल में फंसे हैं तो मेरे फ्रॉड की वजह से हम इस मुश्किल से बाहर भी निकल सकते हैं। मतलब आज तक सिर्फ लालच की वजह से मैंने ये सब झोल झाल किए, लेकिन आज कुछ अच्छे काम के लिए मैं झोल झाल करने की बात कर रहा हूं। प्लीज मेरी बात सुन लीजिए। अलग ताऊ जी से पेपर साइन करवाने का मेरे पास एक बहुत अच्छा आइडिया है, और जीजे इस आइडिया को आप अंजाम दोगे। अरे नहीं, अरे सफाई कर रहा हूँ भाई, अपनी धर्म पत्नी की बात कभी हम टाल सकते हैं क्या? अरे तुम घर आके देखो तो सही, एकदम चनाटन घर मिलेगा। कहीं आराम तो नहीं करने लग गए ना? मेरी जगह पर तो नहीं बैठे हो ना? कैसे पता चल जाता इस औरत को? कुछ भी करता हूँ। अरे नहीं नहीं, अरे मैं सोफा साफ कर रहा हूँ। ओके, सी यू, बाय। अरे आफत, इतनी जल्दी? अभी तो मैंने सफाई भी नहीं की। खोल रहे हैं, खोल रहे हैं। आप कौन? मैं हाउस टैक्स डिपार्टमेंट से हूँ। इस घर के मालिक को बुलाइए। जी। अरे मालिक तो हम ही हैं। अलग तो उसने बाल आप ही? बाल नहीं, वाल। हाँ, बाल तो ऐसे भी नहीं है तोसनीवाल साहब। हाउस टैक्स डिपार्टमेंट से ऑफिसर वर्मा, आपसे कुछ बात करना है। ताऊ जी। तो जी बात करें? हाँ हाँ, आइए अंदर आइए, बैठे। अरे क्या कर रहे हो भाई साहब, ये क्या कर रहे हो, ये कहाँ बैठ रहे हो? ये हमारी पत्नी की कुर्सी है, इसके ऊपर हम आज तक नहीं बैठ सके, आप कहाँ बैठ रहे हो? कहीं भी बैठ जाइए, बस इसको छोड़ दीजिए आप। अजीब हालत है भाई। अरे भाई साहब, अरे यहाँ कहाँ बैठ रहे हो? अरे तो आपने तो कहा कहीं भी बैठ जाइए, क्यों मजाक कर रहे हैं आप? अरे तो कहीं भी बैठे मतलब चाय कहाँ रखेंगे? श्रेया। हाँ? जीजा पर भरोसा तो कर लिया है, पर ये कर पाएंगे कि नहीं? डोंट वरी भैया, पहली बार आपका खुराफाती आइडिया किसी अच्छे काम में यूज हो रहा है, अच्छा ही होगा। बहुत जल्दी सब कुछ ठीक हो जाएगा मम्मी। जय लक्ष्मी मां, जय लक्ष्मी मां, जय लक्ष्मी मां।
और जो आपके छोटे भाई हैं निरंजन तोशलीवाल, वो जिस घर में रहते हैं वो घर आपका भी है जी? हाँ जी। अरे वो अकेला हड़प के बैठा है, उसमें हमारा भी हिस्सा बनता है। नहीं नहीं, बहुत अच्छी बात है। देखिए जी, अब हिस्सा है तो मिलना ही चाहिए। बिल्कुल। उस घर का प्रॉपर्टी टैक्स बकाया है, उसी के बारे में बात करने आया हूँ। प्रॉपर्टी टैक्स? जी, वही बताना था कि आधा आपको भी भरना पड़ेगा। लेकिन टैक्स तो निरंजन भरेगा ना? जब प्रॉपर्टी आपका आधा आधा है तो टैक्स भी तो आधा आधा बनना पड़ेगा। हाफ हाफ, 50-50। हाँ तो बताइए कितना पैसा टैक्स का, बताइए। हाँ एक टोटल अमाउंट है 3,000। अरे ये तो मैं पत्नी से पूछे बगैर ही भर दूंगा। वेट वेट वेट, 3,33,373.33 रुपए। क्या जी? 3,00,000? 3,33,373.33 रुपए। बहुत सालों से पेंडिंग है प्रॉपर्टी टैक्स आपका, ये तो भरना पड़ेगा। ये सिर्फ आपका हिस्सा है, बाकी मैं निरंजन तोशनीवाल से ले लूंगा। अरे इतना टैक्स देंगे तो पत्नी हमें मार देगी। हमें टैक्स नहीं दोगे तो जेल जाना पड़ेगा भाई। नहीं जी, जेल नहीं, जेल नहीं। क्या? नहीं नहीं, चूज वन, टैक्स भरो या जेल जाओ। टैक्स नहीं दोगे तो जेल जाना पड़ेगा भाई। नहीं जी, जेल नहीं, जेल नहीं। क्या? नहीं नहीं, चूज वन, टैक्स भरो या जेल जाओ। भाई साहब, एक ना आपको मैं अंदर की बात बताता हूं। चाहे जहां की बात बताओ, थोड़ा दूर से बताओ। बताओ वो क्या वर्मा जी? बात यह है कि उस घर पे हमारा कोई हक है ही नहीं। वो क्या, हमारे पिताजी ने ना निरंजन के नाम मकान कर रखा है, लेकिन हमारी पत्नी जो निरंजन की वाइफ है ना, वो उनकी बहन है, उनकी उनकी बनती नहीं है। बस उनको परेशान करने के लिए हमने केस कर दिया। अब उस घर पे हमारा कोई हक नहीं है। अब जो प्रॉपर्टी टैक्स बनता है वो आप निरंजन से लीजिए। क्या समझा? समझे, सिंपल है। इसके लिए तो ऑफिस में एक प्रूफ करना पड़ेगा कि इस प्रॉपर्टी पे आपका कोई हक नहीं है, कोई लेना देना नहीं है। चलिए इस पर साइन करिए, बाकी मैं संभाल लूंगा। अरे इतना सोच क्यों रहे हैं आप? सोचना क्या इसमें, साइन करिए। और भी घर पे जाना है मुझे। वो बात ठीक है, लेकिन आप ये मत समझना कि मैं पत्नी से डरता हूँ। अरे आप फैसला लेंगे तो सही ही लेंगे ना। सच्ची पहले आप आदमी हो जो हमें पहचान सके, है ना? डोंट थिंक टू मच जी, चलिए साइन करें। अरे जीजा, इतना टाइम क्यों लगा रहे हैं? रोहित और सविता की बहू, ये दोनों यहाँ क्या कर रहे हैं? अरे जीजा, इतना टाइम क्यों लगा रहे हैं? रोहित और सविता की बहू, ये दोनों यहाँ क्या कर रहे हैं? दीदी का फोन है। बोलना मत। हेलो, क्या कर रहे हो तुम? अरे हम लोग एक बहुत बड़ी मुसीबत में फंसने वाले थे, उससे तुम्हें मैं बचा रहा हूँ। अरे निरंजन के मकान के ऊपर बहुत प्रॉपर्टी टैक्स बकाया है। अरे वो ऑफिसर आया हुआ लेने के लिए। चिंता मत करो, तुम्हारा पति समझदार यहाँ बैठा है, सब संभाल लूंगा मैं। क्या संभाल रहे हो? कौन सा टैक्स, कौन सा ऑफिसर, क्या तुम कर क्या रहे हो? हेलो हेलो कविता, कुछ तो गड़बड़ है। Thank you.
से शाम तक हो शुभ लाभ, धन वैभव खूब बरसे हर पल में हो शुभ लाभ, शुभ लाभ, शुभ लाभ, शुभ लाभ।